दोस्तों जंगल के इस बरहम दुनिया में किसी भी जीव को कमजोर समझने की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले छोटे से छोटे जानवर की भी एक बेहतर हंटिंग होती है, जिसके दम पर वह जंगल में काफी लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शेर, चीता और जगुआर नहीं बल्कि उससे भी छोटा जीव, जो कि अपनी बेहतर हंटिंग के चलते पूरे जंगल में दहशत कायम रखता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले अमेरिकन वाइल्ड डॉग के कुछ खतरनाक हमलों के बारे में, जिनको देखकर आप अमेरिकन वाइल्ड डॉग के बारे में बारीकी से जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम बर्बाद के जल्दी शुरू करते हैं आज के इस कमाल के वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, जहाँ पर दो वाइल्ड डॉग एक एंटीलोप को शिकार बनाने के लिए उसके पास में आ जाते हैं और इस एंटीलोप पर हमला करने लगते हैं। तभी यह एंटीलोप इसी दौरान पानी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये वाइल्ड डॉग उसके पास में नहीं जा पाते हैं। लेकिन बेचारा एंटीलोप पानी में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, क्योंकि ठीक उसके पीछे एक हिप्पो भी उसे तालाब से बाहर निकालने में लगा हुआ होता है और एक बार तो एंटीलोप पर हमला भी कर देता है। लेकिन ये एंटीलोप अपने आप को जैसे तैसे करके हिप्पो से तो बचा लेता है। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद में यहाँ पर वाइल्ड डॉग की संख्या दोगुनी हो जाती है और फिर सभी वाइल्ड डॉग मिलकर इस एंटीलोप को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। अब दोस्तों अगले इस वीडियो के अंदर भी कुछ वाइल्ड डॉग इस इम्पाला का शिकार करने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। तभी ये इम्पाला अपने बचाव के लिए नदी के अंदर कूद जाती है, लेकिन फिर भी ये वाइल्ड डॉग इस इम्पाला का पीछा नहीं छोड़ते और नदी के अंदर ही इम्पाला को निकालने के लिए चले जाते हैं और कुछ वाइल्ड डॉग अपने मजबूत जबड़ों से इम्पाला के शरीर को पकड़कर नदी से बाहर निकालने लगते हैं। बेचारा इम्पाला अपने आप को इन वाइल्ड डॉग से छुड़वाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वाइल्ड डॉग की संख्या काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इम्पाला ज्यादा कुछ कर पाता है और मात्र कुछ ही देर में सभी वाइल्ड डॉग मिलकर इम्पाला को पानी से बाहर ले आते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर एक वाइल्ड बीस्ट को एक बड़ा सा कुत्तों का झुंड बेहद बुरी तरीके से पकड़े हुए होता है, जिसमें कुछ कुत्ते तो वाइल्ड बीस्ट के जबड़े को पकड़ते हैं और कुछ कुत्ते वाइल्ड बीस्ट के पैरों को, जिससे कि वाइल्ड बीस्ट यहाँ से बचकर जा ना पाए। बेचारा ये वाइल्ड बीस्ट भी अपने आप को छुड़वाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर भी कुत्तों की संख्या काफी ज्यादा होती है और इस वाइल्ड बीस्ट को भी इन कुत्तों के सामने हार मानकर अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब अगले इस वीडियो के अंदर कुछ वाइल्ड डॉग हिरन को आसान शिकार समझकर उसका शिकार करने के लिए निकलते हैं और इन्हें पता लगता है कि इनका शिकार अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर उतर चुका है। तो ये सभी वाइल्ड डॉग मिलकर हिरन के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं और तभी यहाँ पर मुसीबत में फंसे हिरन की मदद करने के लिए दो जेब्रा आते हैं, लेकिन ये जेब्रा भी वाइल्ड डॉग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। और जब कुछ देर देखने के बाद ये हिरन पानी से बाहर नहीं आता है, तो कुछ वाइल्ड डॉग पानी के अंदर उतरते हैं और अपने मजबूत जबड़ों से हिरन के शरीर को पकड़कर बाहर निकालने लगते हैं और मात्र कुछ ही देर में हिरन को बाहर भी निकाल लेते हैं और फिर सभी मिलकर इस हिरन को अपना शिकार बना लेते हैं। अब दोस्तों अगले इस वीडियो क्लिप के अंदर भी दो वाइल्ड डॉग इस बबून को शिकार बनाने के लिए बबून के पास में जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बबून भी बेहद ही खतरनाक जीव होते हैं, जिसकी वजह से जैसे ये वाइल्ड डॉग बबून के पास में जाने लगते हैं, तो बबून उल्टा उनके ऊपर हमला कर देता है और इन्हें यहाँ से भगा देता है। लेकिन जब कुछ देर बाद यहाँ पर वाइल्ड डॉग की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो बेचारा बबून भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे भी पता है कि वाइल्ड डॉग कितने ज्यादा खतरनाक जीव होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आशा करते हैं कि आपको वीडियो जरूर से पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो जरा पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।